हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माइंड डिस्क। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी स्मार्टफोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास रियलमी का कोई भी डिवाइस हो, रियलमी का कोई भी हैंडसेट आपके पास हो, चाहे वो C2 हो, C3 हो, 3 प्रो हो, 3i हो, 5 हो, 5 प्रो हो, 7 हो, 6 हो, 6 प्रो हो, कोई भी रियलमी का अगर आपके पास हैंडसेट है, अगर उसमें लॉक लगा हुआ है, चाहे वो पैटर्न लॉक हो, पिन लॉक हो, फेस लॉक हो, कोई सा भी लॉक हो, आप इस वीडियो को देख के अपने फ़ोन के सभी तरह के लॉक को आप अनलॉक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको कहीं भी किसी को पैसे नहीं भेजने हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ ऑनलाइन लेके पैसे लेके हम आपका लॉक तोड़ेंगे, ये करेंगे, तो उसमें बहुत सारा धांधली भी होता है, आपको ये पता भी है। आज हम आपको ऐसा सीक्रेट ट्रिक बताने वाले हैं जो कि सर्विस सेंटर वाले और कुछ कुछ डेवलपर्स इनका यूज करते हैं, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रियलमी के कोई भी डिवाइस को आप किसी भी तरीके से, किस तरीके से आप इसको अनलॉक करेंगे, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा। और मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि हम ऐसे ट्रिक ही बताते हैं कि आपको पसंद आए और आपके उपयोग का ये वीडियो हो। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा हैंडसेट है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और इसमें 6 डिजिट का लेयर पासवर्ड लगा हुआ है, जो कि बहुत ही टफ होता है। जितना लंबा पासवर्ड होगा ना, उतना आपके लिए टफ होगा। तो पिन जो होता है बहुत इजी वे से आप तोड़ सकते हैं, पैटर्न को बहुत इजी वे से तोड़ सकते हैं, लेकिन पासवर्ड जो है आप बहुत इजी वे से नहीं तोड़ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको FRP अनलॉक करना होगा, डेवलपर ऑप्शन को बंद करना होगा और फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट भी करना पड़ सकता है। तो आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल हम आपको बताएंगे, वीडियो को कहीं भी मिस मत कीजिएगा, शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी होती हो तो आप हमें कमेंट्स कीजिएगा, हम आपको वहाँ पर भी उत्तर देंगे। और हमारा इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, हम वहाँ भी आपको रिस्पॉन्स देंगे बहुत ही ज़बरदस्त। एक मैसेज कीजिएगा, मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा। और वीडियो को एंड तक देखें शुरू से लेके, ओके। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप जैसे कि देख सकते हैं कि आपको जब भी आप अगर पासवर्ड डालने की कोशिश करेंगे रॉन्ग, तो कुछ इस तरीके से आपका आएगा, है ना। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे आप जाते नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत से सर्विस सेंटर इसी ऑप्शन के थ्रू जो है आपके फ़ोन को अनलॉक करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसी ऑप्शन से आप अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए किस तरीके से इसको अनलॉक करेंगे। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में एक सीक्रेट हिडन कोड अप्लाई करना होगा। ये कोड आप यहाँ पर देख लीजिए और इसको आपको 10 बार कॉल करना है, कुछ इस तरीके से। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ 10 बार। 10 से प्लस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 10 से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं सेकेंड स्टेप की ओर। सेकेंड स्टेप में हमें करना ये है कि यहाँ पे आपको एक कोड फिर से यहाँ पे इंटर करना है, जिससे आपको अपने फ़ोन को FRP अनलॉक करना है। उसके लिए आपको ये जो कोड है, ये देख लीजिए, ये कोड आपको इस तरीके से 3 बार यहाँ पे इस चीज़ को अप्लाई करना है, और ये 3 ही बार करना है, ना ज़्यादा ना कम, ये बात आप ध्यान रखें। फिर से यहाँ पर एक हम नंबर डालेंगे और ये नंबर आप देख सकते हैं, मैं फिर से दिखा देता हूँ। अगर आपने नंबर ये नहीं देखा है, ये नंबर क्या है, और इसके बाद में यहाँ पे हैज लगा देना है, ठीक है। और उसके बाद आप सेकेंडरी ऑप्शन में चले जाएंगे, और सेकेंडरी ऑप्शन में जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इंजीनियर मोड है। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, ऑटोमेटिक मैनुअल, सॉफ्टवेयर चेक, PCB नम, NB पैरामीटर, आफ्टर सेल सर्विस कोलेबोरेशन, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो ऑप्शन है इसमें से आपको किसी भी ऑप्शन पे ऐसे ही क्लिक नहीं करना है, ठीक है ना।
मतलब इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, जो मैं बता रहा हूँ वही कीजिएगा। तो फिर से बैक कर देता हूँ और आपको यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ वाले नंबर पे आपको यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करना है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इन सभी ऑप्शन को आप स्क्रॉल करते जाइए और यहाँ पे देखिए मेन वुड वर्जन जो है आपका यहाँ पे देखना है कितना है। मेन वुड वर्जन आपका 1.1 है या उससे लोएस्ट है या हाइयर है। देखिए अगर हाइयर है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर लोएस्ट है तो उसको किस तरीके से हम अपग्रेड करेंगे ये आप हमें कमेंट्स करके बताएं। अगर आपका डाउनग्रेड है तो फिर ये काम नहीं करेगा ये ट्रिक, तो उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो आप हमें कमेंट्स करेंगे कि हाँ भाई मेरा मेन वुड वर्जन ऐसे ऐसे है, या जो यहाँ पे RPM भी आता है बहुत लोगों का तो वो है, तो उसका वर्जन क्या है ये भी आप अगर कमेंट करके हमसे पूछेंगे तो उस पर भी एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। अगर आपको कुछ इस तरीके की परेशानी है तो आप हमें कमेंट्स करें। और मैं आपको बता दूं कि अगर 1.1 नहीं है तो ये ट्रिक काम नहीं करेगा, आप इसको फिर देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। एज ए इन्फॉर्मेशन के रूप में आप इसको कर सकते हैं, अगर इतना ही है तो फिर जो है आपको नेक्स्ट स्टेप जो करना है इस ऑप्शन पर कुछ इस तरीके से क्लिक कर लेना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखना है कि आपका जो है अपग्रेड टाइम जो है यहाँ पे क्या दिखा रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपग्रेड टाइम 9/24/2020 यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये जो है 2020 का ही होना चाहिए, ये आप श्योर रहें, 19 का नहीं होना चाहिए। और OTA वर्जन जो है आपका C.07 रहेगा तभी ये आपका काम करेगा, वरना ये काम नहीं करेगा। तो इस चीज़ को आप बहुत ही गौर से देखें और इस चीज़ को देखने के बाद आप इसको अप्लाई करें तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आप इसको करेंगे। अगर ये आपको अपडेट करवाना है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं और UFS के थ्रू ये काम होगा, यहाँ पे UFS भी रहना ज़रूरी है, UFS टूल्स पे हम काम करके आपको बताएंगे, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमें करना है कि आपको यहाँ पे नीचे देखिए रीडिंग रीसेट पे आपको करना है, उसके बाद यहाँ पे की स्टेटस पे आपको टैप करना है 2 से 3 बार कुछ इस तरीके से। टैप करते ही आपके सामने एक ऑप्शन खुलेगा जिसमें यहाँ पे की स्टेटस का जो भी फीचर्स है जैसे RPM की, वॉच की, यहाँ पे देख रहे हैं इतने सारे ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा नॉट सपोर्टेड पे, तो नॉट सपोर्टेड ये बहुत कारणों से हो सकता है, जैसे कि हमारे फ़ोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं है, हमारा बैक वाला फिंगरप्रिंट है ना यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसी चीज़ के लिए है ये नॉट सपोर्टेड। और बहुत सारे जैसे रियलमी C2 डिवाइस में फिंगरप्रिंट है ही नहीं, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिसमें फिंगरप्रिंट नहीं है, तो वो यहाँ पे नॉट सपोर्टेड। बाकी ये पूरा कॉलम आपका ग्रीन होना चाहिए, फेल कहीं भी नहीं लिखा होना चाहिए, ये आप ध्यान में दें इस बात को, फेल कहीं भी आपको दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। अब फाइनली हमें क्या करना है कि फाइनली अब हमको इसको इस तरीके से बैक करना है। बैक करने के बाद फिर से यहाँ पे बैक करना है, अगर आपका ये वाला बैक काम नहीं कर रहा है ना तो आप नीचे से ये वाला बैक यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपका फ़ोन जो है कम्प्लीटली अनलॉक हो जाएगा, आपको यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये जब मेन इंजीनियर मोड वाले पेज पे हम आ गए हैं तो हमें यहाँ से नीचे से कुछ इस तरीके से इसको ऊपर करना है और उसके बाद हमारा फ़ोन बिल्कुल इजी वे में यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा। हमें कुछ भी यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल लाइव में ये आपको करके दिखा रहा हूँ। तो अगर आपका फ़ोन अनलॉक हो गया है तो मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन करना चाहूँगा, लेकिन अगर आपका फ़ोन अनलॉक नहीं हुआ है, यहाँ पे कोई दिक्कत या कोई परेशानी या फिर मेन वुड वर्जन जो है आपका लोएस्ट है, काम नहीं करेगा, तो उसके लिए आप कमेंट्स करें, हमसे पूछें, हम आपको रिप्लाई बहुत ही जल्दी देंगे। आप हमें मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके वहाँ हमसे आप पूछ सकते हैं कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो वहाँ पे हम आपको जवाब देंगे। और जिनका मेन वुड वर्जन डाउन है तो वो हमें बताएं कि उनका मेन वुड वर्जन क्या है, तो उनके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे कि जिनका मेन वुड वर्जन बहुत कम है उनका फ़ोन किस तरीके से अनलॉक होगा, ये आप लोगों के माइंड में होगा।
तो जल्दी से कमेंट्स कीजिए। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ उस बेल वाले आइकन को भी दबा लें ताकि हमें पता चल जाए कि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और हमारे मेंबर भी आप बन गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।